नमस्कार दोस्तों, मैं आरपी आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूँ स्टडी स्पिंडर पे। आज हम देखेंगे डिफरेंट ब्रांच और उसकी स्टडी। तो ये जो ब्रांचेज हैं और उनके अध्ययन हम आज देखेंगे। देखिए, ये इस तरह के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि बताइए कॉस्मोलॉजी की स्टडी को क्या बोलते हैं, ओरियोलॉजी की स्टडी को क्या बोलते हैं, और जो है एरोलॉजी की स्टडी को क्या बोलते हैं। इस तरीके के सारे क्वेश्चन आज हम देखेंगे। इसमें ये सभी कुछ एग्ज़ाम में लगभग पूछे जाते हैं, तो देखेंगे वन बाय वन सारी चीज़ें। देखिए, अभी तो बहुत ढेर सारा है ये, तो एक बार आप लोग पढ़ लीजिए, फिर इसको आगे की वीडियो में कुछ क्वेश्चन किया जाएगा या अलग अलग वीडियो में कुछ रिवाइज किया जाएगा। तो बढ़ेंगे आगे। सब्सक्राइब करिए स्टडी स्पिंडर को और बेल आइकॉन पे क्लिक करिए, जिससे सभी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलेंगे। जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलेगा। लाइक करिए इस वीडियो को और जितना हो सके उतना शेयर करिए। तो देखते हैं आज की पहली स्लाइड। देखिए, पहला वर्ड है एरियोलॉजी। एरियोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ द एटमॉस्फियर, ठीक है। वायुमंडल की स्टडी को एरियोलॉजी बोलते हैं। देखिए, ये हिंदी और इंग्लिश में दोनों ऐसे नाम लिख के आएगा, तो आप लोगों को जवाब देना है किसकी स्टडी है। तो एरियोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ वायुमंडल। फिर एग्रोलॉजी है। एग्रोलॉजी देखिए स्टडी ऑफ एग्रीकल्चर सॉइल है, ठीक है। देखिए, लॉजी मीन्स क्या होता है, लॉजी मीन्स किसी चीज़ की स्टडी होती है। और जो है ये रूट वर्ड लॉजी से बना होता है, तो रूट वर्ड में लॉजी का मतलब होता है स्टडी। तो देखिए, उसके आगे जो भी ब्रांच लगी रहती है, डिफरेंट डिफरेंट ब्रांच की स्टडी करते हैं हम लोग। तो देखिए, दो वे में इम्पॉर्टेंट है। एक तो इंग्लिश में पूछ लिया जाता है और एक जीएस में तो पूछा ही जाता है। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगला है एग्रेस्टोलॉजी। ये साइंस और स्टडी ऑफ ग्रासेस है। ये घास के बारे में इसका अध्ययन की ये ब्रांच है एक, तो घास के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं एग्रेस्टोलॉजी से। आगे बढ़ेंगे। देखिए, फिर एल्गोलॉजी है। ये एल्गी की स्टडी इसमें की जाती है, जो एल्गी रहती हैं उनकी स्टडी की जाती है एल्गोलॉजी में। फिर अगला है एनाटॉमी, स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी। तो जो बॉडी के स्ट्रक्चर होते हैं, जो पार्ट्स होते हैं, उनकी स्टडी जो है हम एनाटॉमी में करते हैं। फिर है एंथ्रोपोलॉजी। ये देखिए स्टडी ऑफ ह्यूमन कल्चर्स है। ह्यूमन कल्चर को स्टडी करने के लिए जो ह्यूमन का कल्चर है वो ब्रांच एंथ्रोपोलॉजी होती है। और एक बहुत ही फ्रिक्वेंट नाम आप लोग सुने होंगे, एंथ्रोपोलॉजिस्ट। तो जो ह्यूमन कल्चर को स्टडी करते हैं उन्हें एंथ्रोपोलॉजिस्ट बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला है देखिए एस्ट्रोनॉमी, स्टडी ऑफ सेलेस्टियल बॉडीज। तो ये सेलेस्टियल बॉडीज़ की जो स्टडी करते हैं उसे एस्ट्रोनॉमी बोलते हैं। तो एस्ट्रोलॉजिस्ट एक वर्ड बनता है इसी से। फिर आगे देखिए बॉटनी, बहुत ही आसान, जो प्लांट की स्टडी करते हैं जिसमें उसे बॉटनी बोलते हैं। फिर बैक्टीरियोलॉजी है, बैक्टीरिया की स्टडी करते हैं इसमें बैक्टीरियोलॉजी में, तो जिसमें बैक्टीरिया की स्टडी करते हैं उसे बैक्टीरियोलॉजी बोलते हैं, जिसमें प्लांट की स्टडी करते हैं उसे बॉटनी बोलते हैं, जिसमें सेलेस्टियल बॉडीज़ की स्टडी करते हैं उसे एस्ट्रोनॉमी बोलते हैं। आगे बढ़ेंगे। अगला है देखिए कॉस्मोलॉजी, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है, स्टडी ऑफ यूनिवर्स। तो जो हम यूनिवर्स की स्टडी करते हैं उसको कॉस्मोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। साइटोलॉजी, ये स्टडी ऑफ लिविंग सेल्स। जो सेल्स होती हैं बॉडी की, प्लांट्स की जो सेल्स होती हैं उसकी स्टडी को हम साइटोलॉजी बोलते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछे हुए। तो कॉस्मोलॉजी और साइटोलॉजी बहुत दिमाग में बैठा लेना है आप लोगों को। और आगे देखिए इकोलॉजी, स्टडी ऑफ इन्वायरमेंट। ये तो सुनो हीगे आप लोग, इकोलॉजी और इन्वायरमेंट। तो इकोलॉजी जो है स्टडी ऑफ इन्वायरमेंट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला है देखिए एम्ब्रियोलॉजी, स्टडी ऑफ एम्ब्रियोज। जो भ्रूण की हम अध्ययन करते हैं वो एम्ब्रियोलॉजी में आता है, ठीक है। तो आगे है जियोलॉजी, स्टडी ऑफ अर्थ क्रस्ट। जो अर्थ का क्रस्ट होता है, ऊपरी भाग होता है, उसको क्रस्ट बोलते हैं। तो उसकी स्टडी को, उसके अध्ययन को हम लोग बोलते हैं जियोलॉजी। फिर है अगला गाइनेकोलॉजी, ये है स्टडी ऑफ वुमेंस फिजियोलॉजी। तो देखिए एक बहुत फेमस वर्ड है गाइनेकोलॉजिस्ट, जो महिलाओं को की जो है डॉक्टर रहती हैं, तो उनको हम गायनी बोलते हैं। तो ये वुमेंस की फिजियोलॉजी को स्टडी करती हैं। देखिए गायनी मतलब ही महिला होता है, लॉजी मतलब अध्ययन होता है, तो
महिलाओं के अध्ययन को हम गायनेकोलॉजी बोलते हैं। आगे बढ़ेंगे, अगला देखिए हेमेटोलॉजी। हेमेटोलॉजी स्टडी ऑफ ब्लड होता है, तो इसको याद रखेंगे आप लोग। अगला है हॉर्टिकल्चर, ये बहुत बार पूछा हुआ है एग्ज़ाम में। स्टडी ऑफ गार्डनिंग, जो पौधे लगाते हैं, पेड़ पौधे लगाते हैं, उसकी स्टडी को हम लोग बोलते हैं हॉर्टिकल्चर, दैट मीन्स पौधे उगाना। अगला है हाइड्रोलॉजी, स्टडी ऑफ वाटर रिसोर्स, जो वाटर रिसोर्स होते हैं, जो अवेलेबिलिटी होती है वाटर की, उसकी स्टडी को हम लोग हाइड्रोलॉजी बोलते हैं। और हाइड्रोलॉजी में बहुत ब्रांच होती हैं, जैसे फ्लड रेगुलेशन और वाटर रेगुलेशन, बहुत सारी ब्रांच आती हैं, तो स्टडी ऑफ वाटर रिसोर्स जो होता है उसे हाइड्रोलॉजी बोलते हैं। आगे बढ़ेंगे, अगला है देखिए हाइग्रोलॉजी। हाइग्रोलॉजी में स्टडी ऑफ ह्यूमिडिटी, आर्द्रता की जो हम लोग स्टडी करते हैं उसको हाइग्रोलॉजी कहते हैं। तो हाइड्रोलॉजी और हाइग्रोलॉजी में कन्फ्यूज नहीं होना है। ह्यूमिडिटी का जो अध्ययन करते हैं वो हाइग्रोलॉजी होती है, और वाटर रिसोर्स के जिसमें अध्ययन होता है वो हाइड्रोलॉजी होता है। अगला है देखिए कैलोलॉजी, स्टडी ऑफ ब्यूटी, तो जो ब्यूटी की स्टडी होती है जिसमें, उसे कैलोलॉजी बोलते हैं। अगला है देखिए लिथोलॉजी। लिथोलॉजी देखिए स्टडी ऑफ रॉक्स है, तो एक वर्ड है इससे बना हुआ लिथोस्फीयर, तो इसी वर्ड से वो बना हुआ है लिथोस्फीयर, तो स्टडी ऑफ रॉक्स को बोलते हैं लिथोलॉजी। आगे बढ़ेंगे, अगला है देखिए मेट्रोलॉजी। तो मेट्रोलॉजी जो है वो स्टडी ऑफ वेदर होता है, तो जो मौसम का अध्ययन करते हैं उसको मेट्रोलॉजी बोलते हैं। देखिए जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है उसका हेडक्वार्टर है दिल्ली में, और जो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है जिसमें मौसम विभाग की जो जानकारियाँ देते हैं वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, उसका हेडक्वार्टर है जो वो जिनेवा में है, ठीक है। तो ये दोनों बात और याद रखिए साथ में आप लोग। माइक्रोबायोलॉजी जो है ये स्टडी ऑफ माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है, तो जो बहुत सूक्ष्मदर्शी ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी स्टडी हम लोग करते हैं माइक्रोबायोलॉजी से। अगला है देखिए माइकोलॉजी। माइकोलॉजी देखिए बहुत बार पूछा हुआ है। माइकोलॉजी है स्टडी ऑफ फंगसेस, फंगस की जिसमें स्टडी करते हैं हम लोग उसे माइकोलॉजी बोलते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं अगली साइड की तरफ। अगली साइड में देखिए है नेफोलॉजी। नेफोलॉजी जो है स्टडी ऑफ क्लाउड, बादल का अध्ययन जिसमें करते हैं उसे हम नेफोलॉजी बोलते हैं। अगला है देखिए न्यूरोलॉजी। न्यूरोलॉजी है स्टडी ऑफ नर्वस सिस्टम, तो स्टडी ऑफ नर्वस सिस्टम को हम लोग बोलते हैं न्यूरोलॉजी। देखिए न्यूरोलॉजी में जो है नर्वस सिस्टम की स्टडी करते हैं। ब्रेन में देखिए एक सेल होती है जिसका नाम है न्यूरॉन्स, और न्यूरॉन्स जो है ब्रेन के सेल को बोलते हैं। अगर उसकी एक बार जो है डेथ हो जाती है तो वो दोबारा डेवलप नहीं होता है, तो बहुत ही घातक होता है ये किसी भी मनुष्य के लिए। अगर न्यूरॉन्स की डेथ हो जाए तो दोबारा वो नहीं डेवलप होते हैं। अगला देखिए ओशियनोलॉजी, जो ओशियन की स्टडी करते हैं उसको हम ओशियनोलॉजी बोलते हैं। और फिर आगे बढ़ते हैं, अगला है देखिए ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी है स्टडी ऑफ बर्ड्स। देखिए इससे एक वर्ड बनता है ऑर्निथोलॉजिस्ट, और सलीम अली इंडिया के बहुत बड़े बर्ड वाचर थे, उन जो है उनके नाम पे सलीम अली बर्ड सेंचुरी भी बनी हुई है उसको सम्मान देने के लिए। तो अगला है देखिए ओरोलॉजी। ओरोलॉजी है स्टडी ऑफ माउंटेंस, या इसे एक वर्ड और बोलते हैं ओरोजेनी, तो ओरोजेनी जो है स्टडी ऑफ माउंटेंस होता है, या ओरोलॉजी जो पहाड़ों के हम अध्ययन करते हैं उसे ओरोलॉजी बोलते हैं। फिर अगला है देखिए ऑस्टियोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी है स्टडी ऑफ बोन्स, ठीक है। तो ओरोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो माउंटेन की स्टडी करते हैं पूछा हुआ है कई बार, और ऑर्निथोलॉजी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ेंगे, अगला है देखिए पेडियोलॉजी। पेडियोलॉजी है स्टडी ऑफ सॉइल्स, जो सॉइल का अध्ययन करते हैं उसे पेडियोलॉजी बोलते हैं। अगला है पेट्रोलॉजी, जो हम रॉक्स की स्टडी करते हैं उसे पेट्रोलॉजी बोलते हैं। और फिर है आगे देखिए फाइकोलॉजी। तो देखिए इस तरीके के वर्ड मिल रहे हैं माइकोलॉजी और फाइकोलॉजी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फाइकोलॉजी का मतलब है स्टडी ऑफ एल्गी या सीवीड्स, जो जलकुंभी होती है उसकी स्टडी हम करते हैं फाइकोलॉजी में, ठीक है। अगला है देखिए साइकोलॉजी, ये है स्टडी ऑफ माइंड, तो साइकोलॉजी जो है ये स्टडी ऑफ माइंड है, ठीक है। अगला है सिस्मोलॉजी, स्टडी ऑफ अर्थक्वेक्स, तो ये भी बहुत बार पूछा हुआ है, काफ़ी आसान भी है, तो अर्थक्वेक जिसमें स्टडी करते हैं उसे सिस्मोलॉजी बोलते हैं। अगला है सोशियोलॉजी, स्टडी ऑफ सोसाइटी, तो बहुत लोगों का नाम भी आता है, सोशल वर्कर हैं, सोशियोलॉजिस्ट हैं, तो जो सोशल वर्क करते हैं इसी वर्ड से बना हुआ है, तो सोशियोलॉजी होती है स्टडी ऑफ सोसाइटी।
देखिए अगला है फिर थियोलॉजी, थियोलॉजी है स्टडी ऑफ रिलीजन या रिलीजियस डॉक्ट्राइन। तो ऐसे देखिए वर्ड बना हुआ है ऐसे थियोक्रेसी, तो थियोलॉजी से ही वर्ड बना हुआ है, रूट वर्ड उसका थियोक्रेसी। तो क्रेसी मतलब होता है रूल करना, ठीक है। तो स्टडी ऑफ रिलीजन जो है थियोलॉजी हो गई। अगला है वर्मियोलॉजी, वर्मियोलॉजी हो गई स्टडी ऑफ वर्म्स। और अगला है वायरोलॉजी, स्टडी ऑफ वायरसेस इज कॉल्ड वायरोलॉजी। तो जो जिसमें हम वायरस का अध्ययन करते हैं उसे वायरोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं जियोलॉजी, जियोलॉजी आसान है स्टडी ऑफ एनिमल्स, उसको हम जियोलॉजी बोलते हैं। और फिर है ब्रोमेटोलॉजी, स्टडी ऑफ फूड, जो खाने के अध्ययन करते हैं उसको हम ब्रोमेटोलॉजी बोलते हैं। अगला है कार्डियोलॉजी, स्टडी ऑफ हार्ट्स, तो जो हार्ट की स्टडी करते हैं उसको कार्डियोलॉजी बोलते हैं। और डॉक्टर का नाम इसमें रहता है कार्डियोलॉजिस्ट, जो हार्ट की जो डिजीज़ होती है, जो बीमारी होती है, इसको हम कार्डियोलॉजिस्ट के पास दिखाते हैं। तो इसी वर्ड से बना हुआ है वो, और बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा हुआ है, ध्यान देना है इस पॉइंट पे। आगे बढ़ेंगे, अगला है देखिए डेंट्रो, डेंट्रोक्रोनोलॉजी, तो ये स्टडी ऑफ द एज ऑफ ट्री एंड द रिकॉर्ड इन देयर रिंग्स। रिंग जो बनती है इसी एनुअल रिंग से ही हम इसकी एज का पता लगाते हैं। तो एनुअल रिंग जो रहती है उसकी एज को दर्शाती है। तो डेंट्रोक्रोनोलॉजी स्टडी ऑफ एज ऑफ ट्री, पेड़ों की जो एज होती है उसकी हम स्टडी करते हैं डेंट्रोक्रोनोलॉजी में, ठीक है। अगला है डर्मेटोलॉजी, स्टडी ऑफ स्किन, तो स्किन की स्टडी इससे करते हैं, जिसमें करते हैं वो डर्मेटोलॉजी होती है। और इस ब्रांच के डॉक्टर को हम डर्मेटोलॉजिस्ट बोलते हैं, जो स्किन के डॉक्टर होते हैं उनको हम दिखाते हैं, ठीक है। अगला है इंटमोलॉजी, स्टडी ऑफ इंसेक्ट, ये भी इंपॉर्टेंट है, और डर्मेटोलॉजी ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा हुआ है। जो इंसेक्ट की हम स्टडी करते हैं, कीड़ों मकोड़ों की, ये इंटमोलॉजी होती है, ठीक है। अगला है देखिए नेफ्रोलॉजी, द स्टडी ऑफ द किडनीज, इसे हम नेफ्रोलॉजी बोलते हैं। और देखो देखिए एक सेल्स होती है किडनी की, उसको नेफ्रॉन बोलते हैं, तो उसे भी याद रखेंगे आप लोग, किडनी के सेल को हम लोग नेफ्रॉन बोलते हैं। फिर है अगला देखिए ऑन्कोलॉजी, द स्टडी ऑफ कैंसर, कैंसर की स्टडी को हम अध्ययन करते हैं ऑन्कोलॉजी में। फिर अगला है देखिए जाइमोलॉजी, स्टडी ऑफ फर्मेंटेशन, जो फर्मेंटेशन होता है किडबन, उसकी हम स्टडी करते हैं जाइमोलॉजी में। तो नेफ्रोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे आप लोग, और साथ साथ किडनी के सेल्स को, नेफ्रॉन को भी याद रखेंगे। तो इसी के साथ एंड होती है ये वीडियो, धन्यवाद। सब्सक्राइब करिए स्टडी स्प्लेंडर को, और लाइक करिए, शेयर करिए इस वीडियो को जितना हो सके। धन्यवाद, जय हिंद।